नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन में। बहनों, हम हमेशा आपको इस तरह से बातें करते हैं, ऐसे कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपको खुद के लिए क्या करना है। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं महिलाएं अपनी आत्म सुरक्षा कैसे करें, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है, हमारे साथ है एनसीसी कैडेट ऐशानी और हमारे साथ है डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव जो एनसीसी ऑफिसर हैं, साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपने गोल्ड मेडलिस्ट लिया है एमएससी में, और ये सबसे बड़ी बात है कि आप राजपथ में हमारे एनसीसी परेड को आपने लीड किया है। और हमारे साथ हैं एनसीसी कैडेट एक और रुचि कुमारी, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और सबसे पहले डॉक्टर प्रिया, हम आपसे जानना चाहते हैं आत्म सुरक्षा की जब हम बात करते हैं, यानी कि सेल्फ डिफेंस, और एनसीसी ऑफिसर आप हमारे बीच में हैं, तो आप हमें बताएं कि आप अपने हिसाब से इसे कैसे परिभाषित करेंगी। धन्यवाद जी। आत्मरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो सबसे पहले चीज दिमाग में आती है कि बल का प्रयोग जी। बल का प्रयोग करके हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकें, लेकिन ये सिर्फ बल का प्रयोग नहीं है, इसमें बुद्धि की भी उतनी ही जरूरत होती है जितनी बल की जरूरत जी, होती जी, है। ये आपने बहुत पते की बात कही जी। सिर्फ बल ही नहीं, एक कहते हैं कि अचानक से क्या आपको करना है, डिसीजन लेना, उसके लिए दिमाग चाहिए आपको। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, जितनी भी माताएं बहनें सारी ही हैं, ये किसी न किसी तरह से परवरिश में बच्चों की या महिलाओं की किसी न किसी तरह परवरिश में इस चीज को लेकर के आए कि ये सिर्फ वो ना बताएं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए, कि यहाँ जाना नहीं है, ये इस तरह के कपड़े नहीं पहनने हैं, बल्कि ये बताएं कि उनको क्या करना चाहिए अगर कोई विपरीत स्थिति आ जाती है। ये स्वयं की सुरक्षा के लिए ये अति आवश्यक है जी। जी जी, मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं डॉक्टर प्रिया कि हम जिस तरह से बच्चों का परवरिश करते हैं, उन्हें जो शिक्षा देते हैं, तो स्कूल की शिक्षा तो एक अलग बात हो गई, लेकिन वो जो नैतिक शिक्षा की बात जब आती है तो उनके अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया जाए उसके लिए हमें बताना बेहद आवश्यक है। तो कॉन्फिडेंस ज्यादा से ज्यादा जो हम डेवलप करने की बात करते हैं, तो और कुछ आप बताएं कि क्या और हमें करना चाहिए। जी, कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो वही बात होती है कि लड़कियों को जब अपब्रिंगिंग के टाइम में ही, उनकी परवरिश के टाइम में ही, ये ज़रूर ये तो बताया जाता है कि बड़े लोगों की रेस्पेक्ट करनी है, उनको किस तरीके से बिहेव करना है, लेकिन अगर कोई बड़ा या फिर कोई इस तरीके का आदमी जो किसी न किसी तरीके से हानि पहुंचा सकता है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए या वो ताकत देनी चाहिए बचपन से। सिर्फ ये नहीं कि ये बड़े हैं, इनका सम्मान करना है इसलिए चुप रहें, आवाज उठाने की भी हिम्मत देनी चाहिए। ये सब माताओं बहनों में ये आना चाहिए। और घर में जो डिफ्रेंशिएशन की बात आती है लड़का और लड़की, अगर ये डिफ्रेंशिएशन को हम बिल्कुल अलग कर दें, छोड़ दें, तो मुझे लगता है कि लड़कियां कहीं ज्यादा और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। जी हाँ, ये तो काफी संवेदनशील मुद्दा रहा है शुरू से, कि लिंग भेद की बात हम लोग हमेशा से करते आए हैं, तो वो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जब घर में भाई बहन एक साथ हों तो दोनों की परवरिश एक ही तरीके से करनी चाहिए। जहाँ पे ये सिखाना बहुत आवश्यक है बच्चों को, लड़कियों को, कि उनको आवाज उठानी चाहिए, साथ में जो लड़के हैं या उनके भाई हैं, जो भी पुरुष समाज के लोग हैं, उनको ये भी बताना अति आवश्यक है कि महिलाओं का सम्मान कैसे करें, क्यों उनको विपरीत परिस्थिति, कहीं भी अगर हम लोग यौन हिंसा की बात करते हैं तो जो प्रताड़ित करता है वो पुरुष होता है और जो प्रताड़ित होती है वो महिला होती है। तो ये शुरू से अगर हम लोग लड़कों में, बच्चों में, भाई जो छोटे बच्चे हैं वो सब में रखेंगे कि सम्मान करना एक अपनी जगह पे है, तो ये शायद इस तरह की स्थिति आएगी ही नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि शुरू से ही माताएं ये कोशिश करें कि परवरिश जब अपने दोनों बेटा और बेटी की कर रही हैं, तो बेटों के अंदर भी ये डालें कि या चाहे वो बहन हो चाहे वो माँ हो, सबकी वो इज्जत करे, एक सम्मान करे, और काम दोनों के लिए बांटा बनी। बहुत बार होता है कि हम घर के कामों के लिए लड़कियों को बोलते हैं और लड़कों को छोड़ देते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए भी जरूरी है काम करना है कि नहीं। जी, आज के युग में तो ये बहुत ही आवश्यक है। ऐशानी, आप बताएं, आप एनसीसी कैडेट हैं, तो आप जब एनसीसी ज्वाइन कर ली, तो उसके पहले आपने ज्वाइन करने के पहले क्यों ज्वाइन किया, ये आपके दिमाग में क्या विचार आया, और ज्वाइन करने के बाद आप अपने अंदर क्या फील करती हैं, क्या महसूस करती हैं?
मेरे को बचपन से ही आर्मी ऑफिसर बनने का बहुत शौक था, मतलब ये मेरे फैमिली में कभी कोई आर्मी में गया नहीं, पर पता नहीं ये शौक बचपन से आया। तो फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि आर्मी का एक छोटा रूप है एनसीसी, मतलब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी ताकि आगे आर्मी में इस तरह की होती है, वो लोग आगे बढ़ सके आर्मी में ज्वाइन करने के लिए। इसीलिए मुझे पता चला कि एनसीसी में होता है, तो फिर मैं गई एनसीसी, मैंने ज्वाइन किया। उसके पहले मैं थोड़ी, मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। एनसीसी में आने के बाद लोग, मतलब जिस तरह से मुझे देखते थे जब भी मैं यूनिफॉर्म पहन के चलती हूँ, या लोग देखते हैं अरे घुमाना था अपने आप में, तो बहुत अच्छा, खुद में बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। सही बात है। अशानी आप बताइए, जब हम आत्म सुरक्षा की बात करते हैं तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपको क्या लगता है कि आप कोई भी आपके पास आए और आराम से निपट सकती हैं, तो आप हमारी बहनों को, हमारी जो किशोरियां हमें देख रही हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि जो एनसीसी करते हैं वही खुद की आत्मरक्षा कर सकते हैं, आप बिना एनसीसी किए भी खुद की आत्मरक्षा कर सकते हैं। खुद को उस कॉन्फिडेंस लाना होगा, खुद को समझना होगा कि हाँ मैं निपट सकती हूँ किसी भी स्थिति से, अंदर से खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। जरूरी नहीं है एनसीसी करके ही कोई स्ट्रांग बनता है। सही बात है, बहुत अच्छी बात कही आपने। रुचि आप हमें बताएं कि एनसीसी ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा लग रहा है और क्या आप महसूस करती हैं कि बहुत आप स्ट्रांग हो गई हैं, आप किसी भी परिस्थिति से आसानी से निपट सकती हैं? यस मैम, एक अलग सा कॉन्फिडेंस हमें मिला है जो पहले थोड़ी कमी थी। एनसीसी ज्वाइन करने का मेन मोटिव था कि मेरा एक्साइटमेंट बहुत था कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूँ। मोटिवेट किया एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूथ यूनिफॉर्म पहनते हैं, जो डिफेंस जैसा फील आता है जी। तो उस मोटिवेशन मेरे को मिला जब मैंने कॉलेज में देखा। और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली बात लीडरशिप क्वालिटी, लीड करने का, जब मैं बात करती हूँ दूसरों से तो लगता है अलग पर्सनालिटी है जी, जी, तो जी। वो एक अलग कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत हेल्प किया है। तो आत्म सुरक्षा की बात जब आती है तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, वो आपको कैसे हेल्प करता है? कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ा दिया ना कि अब लगता है कि हो जाएगा, कोई भी सिचुएशन हो जी जी आई कैन इजिली फेस हैंडल। बिल्कुल सही बात है। तो मूव्स की हम बात करें डॉक्टर प्रिया, तो आप कृपया बताएं अपने एनसीसी कैडेट्स को कि किस तरह से कुछ छोटे छोटे मूव्स हैं जिसे यूज करके हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि एक मानव शरीर में कुछ ऐसे स्थान होते हैं जो काफी संवेदनशील होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं, और अगर उन पे सीधी चोट की जाए तो कुछ समय के लिए जो भी, जिसने भी विपरीत परिस्थिति में आपको डाला है, वो परेशानी में आता है और वो मौका मिलता है आपको कि आप वहां से निकल जाइए। तो आत्मरक्षा के लिए आत्मबल बहुत जरूरी है और उस आत्मबल के सहारे ही आप तुरंत से ये डिसाइड कर सकती हैं कि आप किस अवस्था में हैं और उस सामने वाले को कौन सी जगह पे ऐसी चोट पहुंचाई जा सकती है जिससे कि आपको संभलने का मौका मिले और आप उस स्थिति से निकल सके। जी जी जी। जैसे इन बच्चों को बता रखा है कुछ खास जगहें होती हैं, जैसे गले के नीचे हम लोग एक सोलर प्लेक्सस बोलते हैं चेस्ट के पास में, नाक पे अगर चोट लगती है, आपको अचानक से भी कभी चोट लगती है किसी भी तरीके से, तो देखिए आंखों में पानी तुरंत आ जाता है। पैर के बीच का हिस्सा है, तो ये सारी चीजें, या कोहनी से अगर आप मारती हैं, कोहनी से अचानक भी अगर चोट लगती है, कभी आप हो सकता हो कि नहीं लड़ाई के दौरान लेकिन ऐसे भी फील होता है, तो वो जानकारी बहुत जरूरी है। इसके लिए कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है जी, ये बस सोच है और उस समय की समझ कि किस तरीके से आप उस जगह से निकल सकती हैं उन स्थानों पे चोट पहुंचा करके जी, तो यही यहाँ पे इन लोगों को भी ट्रेनिंग के दौरान ये बताया जाता है कि कैसे, अगर कोई बच्चा कोई इस तरीके की कोई कराटे या ट्रेनिंग इस तरह की नहीं भी ले रखा है तो कैसे वो अपनी सुरक्षा कर सकता है। जी जी। तो कुछ मूव्स आप बताएं कि कैसे कोहनी से हम कर सकते हैं, बैठ के ही आप बताएं। अगर कोई सामने से अटैक कर रहा है, पीछे से आकर आपको इस तरह से पकड़ लिया, हम इस तरह से रुक गए, ना कोई बचने का तरीका है, ना भाग सकते हैं, उसने पूरी तरह से जकड़ रखा है मुझे, तो सबसे पहले मैं अपने हाथों को इतने जोर से ऐसे करूंगी, ऐसे करने से हाथ छूट जाता है, उसका हाथ छूटा, थोड़ा दूर हुआ, उसके बाद फिर हम इस पोर्शन से उसके फेस पे ऐसे अटैक करेंगे जी, तो कहीं ना कहीं उसे चोट लगेगा, पीछे होंगे, फिर उसे हम इसी पोर्शन से इस यहाँ पे अटैक करेंगे, यहाँ पे भी उतनी ही चोट लगती है, अटैक करेंगे और घूम के फिर उसके हम नीज दोनों पैरों के बीच में मार देंगे, तो वो एफिशिएंट होता है। और नाक को अगर अटैक करना, नाक में, तो कैसे, किस तरह से, क्या मूव्स होने चाहिए?
मैम अगर सपोज कि कोई हमें आगे से हिट कर रहा है तो पहला तो उसके चेस्ट पे हमें मारना चाहिए कि वो थोड़ा दूर हो जाए. देन एक मूव्स है कि हम ऊपर उसके ये वाले भाग को चीन पे देन वी विल हिट लाइक. अच्छा मतलब उसके बाद फिर नाक में हिट करना है. कुछ कुछ एरियाज जो होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं लाइक नोज हो गए दोनों पैर के बीच में, तो वो सब पे ध्यान रखना होगा कि अगर हमें कोई अटैक कर रहा है तो हम सडनली उस पे पहले अटैक करें कि वो कोई और एक्शन ना ले पाए. मतलब उनका ये कंसेप्ट होना चाहिए डॉक्टर पिया, जैसा कहना समझ मुझे आया जो देख कर, ये कंसेप्ट होना चाहिए कि मुझे क्या करना है संवेदनशील पार्ट्स पे हम अटैक करना है ताकि वो जो अटैक ये है परेशान करने वाला वो तुरंत में सहज हो जाए परेशान हो जाए कि और हम अपने आप को वहां से निकाल सके. जी 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 जी. और ये मूव्स के बारे में और आप क्या बताना चाहेंगी? जी वही है जो ट्रेनिंग में जैसे थोड़ा बहुत इन लोगों को बताया जाता है कि अगर कोई सामने से आ गया या कोई ऊंचा है कोई इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि काफ़ी बलवान है तो भी अगर आप अपने सर के हिस्से का इस्तेमाल करेंगे उसके नाक पे मारने पे वो सफिशियंट होता मतलब है. हेड से उसको जी अटैक करना, हेड से अटैक करना हो और वो काफ़ी कारगर होता है तुरंत से में अगर सर से मार दिया है. फिर आपको मौका मिलता है थोड़ी दूरी बना करके आप अपने घुटनों का इस्तेमाल कर सकते हैं मारने में. और फिर इसी तरीके से जैसे हाथ के अगर ये दोनों उंगलियां हैं अगर इन दोनों उंगलियों को दो तरफ से पकड़ के अलग अलग डायरेक्शंस में खींचा जाएगा बहुत ही ज्यादा दर्द होता है इसमें और तुरंत ही वो असहज कर देगा जो भी आपको मारने वाला है. जैसे जिस तरह से ये मुझे जी ये दोनों उंगलियां ऑपोजिट डायरेक्शन में ये इधर ये इधर अगर थोड़ी दूरी है आप दोनों हाथ से पकड़ के इसको और एकदम से अलग अलग दिशाओं में खींच देना है जी, जी. तो ये काफी दर्दनाक होता है. अच्छा. तो इस तरीके से ये छोटी छोटी बातें हैं अगर ध्यान में रखी जाए तो भी बहुत आसानी होती है. बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और हमें लगता है कि इन छोटी छोटी जानकारियों को हम अपने अंदर बिल्कुल डाल लें ताकि हम बड़ी आसानी से इस जो भी आने वाली परिस्थिति है विषम परिस्थिति उससे निपट सकते हैं. बहुत अच्छी जानकारी दी आपने डॉक्टर प्रिया. मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी क्योंकि आप एनसीसी ऑफिसर हैं और हमारी लड़कियां जो आपको देख रही हैं सबके अंदर ये तमन्ना होती है एक ड्रीम होता है कि मुझे भी इस पोस्ट में आना है एक अचीव करना है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो परवरिश है और फिर आपके अंदर ये क्या ख्याल आया और किस तरह से आप यहाँ तक पहुँची थोड़ी सी जानकारी आप हमें दें. जी देखिए देश के प्रति हमेशा से समर्पण की भावना रही है और ये लगता था कि अगर यूनिफॉर्म पहनेंगे वैसे तो देश की सेवा बहुत तरीके से की जा सकती है जी, जी, जी. लेकिन ये लगता था हमेशा से कि अगर यूनिफॉर्म पहनेंगे तो शायद कुछ अलग करके दिखा सकेंगे जी, जी, ये हमेशा से मन में था कि आर्मी ज्वाइन करनी है. तो फिर वो मौका दो बार आया लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर सकी. लेकिन फिर इस एनसीसी के थ्रू क्योंकि एनसीसी सी सर्टिफिकेट किया उसके थ्रू संभाव ये मिला मौका कि जाके फिर से ट्रेनिंग कर सकते हैं और वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर में ट्रेनिंग की उसके बाद में ये यूनिफॉर्म मिला. संघर्ष रहा अच्छा लगता है लेकिन जी, जी, कि जी. आज की डेट में अगर हम प्रेरणा स्रोत बनते हैं किसी भी तरीके से बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी. तो आप हमारी उन बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो अगर बहुत बार होता है डॉक्टर प्रिया कि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर लड़कियों की हम बात करें जी. तो संसाधन की बहुत कमी जी, होती है जी. और उनके अंदर ये सोच होती है कि क्योंकि वो थोड़ी डरती भी हैं सहमती और घर से भी उनको ऐसा परिवेश मिला रहता है कि नहीं तुम्हें वहां तक नहीं जाना है तुम्हारा क्षेत्र दायरा इतना ही है. तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? जी हमेशा अपने उनको यही बोलना चाहूंगी अगर शिक्षा मिलती है जो भी आसपास में है वो जरूर कोशिश करें कि किसी न किसी तरीके से इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकें जो उनको कोई ना कोई तरीके से घर से बाहर निकल करके कुछ काम करें कुछ जो हम लोग एक्सपोजर लेवल की बात करते हैं जॉब की बात करते हैं. तो अगर कोई भी लड़की है अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो उसके अंदर अपने आप में एक आत्मसम्मान की भावना होती है और उसकी रक्षा के लिए फिर वो और आगे संघर्षरत रहती है. और अगर पढ़ी लिखी शिक्षित हो जाती है तो ये जरूरी नहीं
कि अच्छा चलिए अगर जॉब नहीं भी मिली तो कम से कम वो आने वाली पीढ़ियों को शिक्षित कर सकती है। बहुत अच्छी बात। और एक शिक्षित नारी जो होती है पूरे घर को बहुत अच्छी तरीके से चला सकती है। बहुत अच्छी ये मानना है। तो सही कहा आपने। और क्योंकि कहते हैं ना कि आत्मनिर्भरता जी आज के परिवेश में विशेषकर महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है। बेहद जरूरी। और आत्मनिर्भरता की जब बात आती है और हम जब निकलते हैं तो मुझे ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करें, क्योंकि कानून में तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि वो हमारी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं, लेकिन क्यों ना हम पहले ही से अपने आप को इस तरह से तैयार कर लें कि हमें वहां तक जाने की जरूरत ही ना पड़े। जी। तो ऐशानी आप क्या कहेंगी इस संदर्भ में कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं कैसे करें, तो उसके लिए हमें अपने आप को और क्या बनाना चाहिए, क्योंकि आप भी एक थोड़ी दूरदराज के क्षेत्र से आती हैं, तो आपको क्या लगता है? जैसा कि मैंने कहा, जरूरी नहीं कि कुछ ट्रेनिंग लेकर ही कोई अपना आत्मबल दिखा सकता है। अगर कोई अटैक कर रहा है तो खुद के दिमाग से जो भी निकल रहा है कि हाँ अभी हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं जिससे उसको ज्यादा हानि पहुंचेगी, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो अपने दिमाग का खेल है सब। मतलब कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने अंदर में पहले कॉन्फिडेंट होना है, और वो कॉन्फिडेंस इसी तरह से नहीं आ सकता। जैसे अब गांव के छोटे ग्रामीण शहरों की जो बच्चियां हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, वे गांव में ही खेले कूदे, थोड़ा खुद को आत्मनिर्भर बनाए, ताकि वे वही कॉन्फिडेंस जगाएगा, वो आत्मनिर्भरता उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हम बहुत बार अखबारों में देखते हैं डॉक्टर प्रिया कि ऐसी बहुत सारी लड़कियां जिनके पिता काम कर रहे हैं खेतों में, बहुत छोटे छोटे काम कर रही की लड़कियां हॉकी में और क्रिकेट में और फुटबॉल में अपना एक मुकाम हासिल कर रही है, तो जज्बा बहुत मायने रखता है। तो इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी एकदम सही बात कह रहे हैं, जज्बा बहुत मायने रखता है। और जो अगर बच्चे शिक्षा की तरफ नहीं जा रहे हैं लेकिन अगर खेल में जा रहे हैं वो भी उनको आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सहायता करता है, साथ में आत्मबल भी बढ़ाता है, क्योंकि जो एक खेल भावना जिसकी हम लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की जो बात करते हैं उससे फेलियर से लड़ने की वो क्षमता आती है कि अगर हार रहे हैं जीत रहे हैं तो उसको फेस करना आता है। और अगर ये धीरे धीरे करके बच्चा बड़ा होता है, हार जीत को फेस करना सीखता है, तो वो कभी भी कुछ ऐसा स्टेप नहीं ले सकता जो गलत हो, और साथ में वो पूरे समाज को एक अच्छा मतलब एक अच्छी आइडेंटिटी दे सकता है। जी जी जी। अच्छी तरीके से। डॉक्टर प्रिया आपसे मेरी एक बार बात हुई तो आपने बड़ी अच्छी एक बात कही थी कि गलतियां बच्चों को करने दें। जी। तो ये इस विषय में आप क्या कहेंगी? यही है कि जैसे आदत हो जाती है माताओं की कि अरे ये मत करना ऐसा हो जाएगा, वो मत करना वैसा हो जाएगा, तो मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी गलतियां करने देना चाहिए। उनको स्वयं में ये समझ में आती है कि समझ आती है कि क्या करने से क्या नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। तो अगर आप ये बताती रहेंगी कि ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए, तो उसके अंदर हमेशा ये भावना बनी रह जाएगी आखिर क्यों नहीं करना चाहिए। तो छोटी गलतियां करने देने से उनको समझ डेवलप होती है अपने आप में कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये आज की डेट में हमें लगता है आज के जो करंट सिनारियो चल रहा है जिसमें लड़कियां बाहर निकल रही हैं रेगुलर सुबह शाम कभी भी आना जाना है उनको, कभी ट्रेनिंग है या फिर कुछ इस तरीके की ड्यूटीज लगती हैं, तो अगर बच्चों को ये पता रहेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो स्वयं सुरक्षित रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अब अपने बात बताई, और हमें लगता है कि घर का परिवेश बहुत मायने रखता है, बहुत, एक लड़की और एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए, बच्चों के अच्छे व्यक्तित्व के लिए विशेषकर हम कह सकते हैं कि घर में एक कैसा माहौल मिलना चाहिए ताकि बच्चे निकल कर अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएं और बहुत अच्छा करें। रुचि ऐसा कभी आपके सामने ऐसा आया है कि आपको कुछ परेशानी हो, कुछ ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए तो आप हमें शेयर करें तो, और किस तरह से आपने उससे सामना किया उसका डट कर, ताकि हमारी जो बहनें हैं हमें देख रही हैं वो उनको समझ में आए कि कैसे करना है। मैम बेसिकली ऐसा कभी हुआ नहीं है क्योंकि मैं बचपन से बहुत बदमाश टाइप की रही हूँ। अच्छा, अच्छा। फैमिली बैकग्राउंड, हम लोग 5 भाई बहन थे तो सबसे छोटी और मिस नटखट। अच्छा अच्छा। तो एनसीसी ज्वाइन करने के बाद
कह सकते हैं कि वो बदमाशी खत्म हो गया। तो आपकी फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपसे कुछ सीखती हैं, आप उन्हें कुछ शिक्षा देती हैं किस तरह से आपको अपनी सुरक्षा करनी है? यस मैम, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ रही है, जो मेरी रूममेट्स हैं, वो लोग काफी कुछ सीखी है। मींस कि जब मैं पढ़ती हूँ, एनसीसी का बुक पढ़ती हूँ, तो राइफल्स क्या है और कौन कौन से प्रकार के होते हैं, मैं उन्हें भी बताते रहती हूँ। तो एक जिज्ञासा उनके अंदर भी है, ज्वाइन तो नहीं किए वो लोग, बट जिज्ञासा है जो किसी को भी आ जाएगा। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें यूथ यूनिफॉर्मली जाता है, काम कर रहा है, सीख रहा है, प्रैक्टिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, तो सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ऐशानी, आप क्या मूव्स के बारे में आपको लगा कि मुझे यहाँ पे बतानी चाहिए, ज़रूरत है यहाँ पे बताने की कि कैसे लड़कियाँ मूव सीखें और उसे इम्प्लीमेंट करें जब उनको परेशानी आती है, तो कहाँ गई और किस तरह से आपको लगा कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत है बताने की? जब मैं छोटी थी तब पहली बार जब मेरे दिमाग में आया था कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे स्कूल में कुछ लड़के बहुत बदमाश थे और वे बदमाशी करते थे और वे सबको परेशान करते थे, तो वही मेरे अंदर था कि ये गलत हो रहा है। अच्छा। मेरे को लड़ना है, कुछ आता नहीं था, लेकिन मैं उनसे भिड़ गई। अरे पूरा भिड़ी, पूरा शर्ट वर्ट फाड़ के फिर घर गई। फिर प्रिंसिपल का फोन आया, कॉलेज में स्कूल में बुलाया गया। फिर मम्मी को लगा कि नहीं, लड़की में दम है, और फिर वही रीजन था कि मैं कराटे ज्वाइन की। मम्मी ने बोला नहीं चलो तुमको सिखाते, जब इतना हिम्मत है तो चलो। कराटे फिर ज्वाइन किया, फिर मतलब शुरुआत में आप अपनी हिम्मत दिखा दी और उसके बाद आपको ज्वाइन कर। लेकिन हम ये चाहेंगे कि सभी लड़कियों को, विशेषकर डॉक्टर प्रिया आप क्या कहना चाहिए कि सभी लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ताकि वो अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं किसी की जरूरत ना पड़े, वो खुद से अपनी सुरक्षा कर सके। एकदम सही बात बोल रहे हैं कि ये सारे स्कूलों में, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, उनकी तरफ से एक छोटी छोटी वर्कशॉप्स, ये नहीं कि कोई बहुत स्टैंडर्ड, कोई बहुत उस तरीके का, लेकिन एक हम लोग बोलते हैं कर्व मेगा, एक ये टर्म है कि बिना किसी हथियार के हम लोग को बैटल क्राफ्ट आना चाहिए, लड़ाई की एक क्षमता होनी चाहिए। जी, जी, ये छोटी छोटी वर्कशॉप्स अगर सारी ही स्थानों पे दी जाए, स्कूल्स में या फिर कोई समाज सेवी संस्थाएं हो जो इस तरीके का काम करें, तो ये बहुत ही कारगर होगा जी, आने जी, वाले जी। और आप बहुत जगह वर्कशॉप में गई हैं, आप बहुत जगह आपने ट्रेनिंग दिया है, तो कुछ ऐसा वाकया जहाँ पे लगा कि यहाँ पे वर्कशॉप मेरा बहुत सक्सेसफुल है? हालांकि वर्कशॉप तो नेचुरली कि इस तरह के वर्कशॉप बहुत ही इम्पोर्टेंट है जी, लेकिन कुछ ऐसा वाकया आप बताएं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में तो थोड़ा कम जाना होता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो कुछ कॉलेजेस में जो एक बार इस तरीके के लड़कियों का, मतलब युवतियों का किया था, जिनकी ट्रेनिंग के दौरान या फिर उनकी अपनी जॉब के दौरान नाइट ड्यूटीज़ लगती थी जी, तो उसमें ये उनको जानकारी हो जाना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अगर किसी तरीके की विपरीत स्थिति आई तो उसमें किस तरीके से सामना करना है, वही जो अभी छोटी छोटी मूव्स की हम लोगों ने बात की थी। तो वो कुछ दिनों बाद कुछ बच्चों ने फ़ोन करके ये बताया कि वो बहुत कारगर हुआ उनके लिए वो वर्कशॉप। तो इसलिए हम मतलब ये चाहते हैं कि बहुत छोटी छोटी संस्थाएं, स्कूल्स और कॉलेजेस ये रेगुलर बेसिस पे इस तरीके का अपना वर्कशॉप करते हैं जी जी, और हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भी ये हमेशा अवगत कराते हैं ताकि बहनें देखें और वो अपने आप को सुरक्षित कैसे रखना है इसके बारे में वो ट्रेनिंग दे। डॉक्टर प्रिया, आप और क्या संदेश देना चाहेंगी इस संदर्भ में? जी, मेरा यही कहना है कि एकता और अनुशासन दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन बड़ों के सम्मान के साथ गलत कभी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए। इस तरीके से अपने आप को अपने आत्मबल को इतना बढ़ा के रखना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा हो, चाहे अपने साथ या अपनी किसी बहन या किसी भी लड़की के साथ, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की क्षमता होनी चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस ज़रूर आना चाहिए। और गुड टच और बैड टच की हम बात करें, जब क्योंकि आज के परिवेश में बच्चों को ये बताना कि गुड टच है, बैड टच क्या है, तो उसके संदर्भ में एनसीसी ऑफिसर होने के नाते आप क्या बताएंगी? जी देखिए, गुड टच और बैड टच ये बहुत छोटे बच्चों पर, जहाँ पे बच्चे समझ नहीं सकते कि उनको कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, उन बच्चों को ये छोटे बच्चे 5 साल, 6 साल, 7 साल जो बच्चे होते हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है। और ये कहीं भी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये माताएं
और साथ में जो शिक्षिकाएं होती हैं उनको ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि किस क्या छूने किस तरीके से छुआ जा रहा है और उसका क्या मतलब निकल सकता है, या कुछ स्थान ऐसे हैं जो सभी के लिए वर्जित हैं, जिन जगहों पर किसी को भी नहीं छूना है, 4 साल 5 साल का बच्चा उसमें माएँ कुछ कह सकती हैं लेकिन बाकी और किसी सभी के लिए वो वर्जित है। तो यही गुड टच बैड टच छोटे बच्चों में इसकी जानकारी अगर शुरू से रहेगी वही बच्चे आगे अगर जब बड़े होंगे तो वो अच्छी तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और एक चीज और बहुत अहम है डॉक्टर प्रिया कि अगर पेरेंट्स माता पिता दोनों बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं तो वो हर बात को ना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत बार होता है कि अगर बहुत सख्त हैं तो बच्चियां डर के मारे सहम जाती है और उन्हें लगता है कि पता नहीं मैं बताऊंगी और उसका क्या रिएक्शन आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही डांट पड़ जाएगी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये एकदम घर का माहौल जो पारिवारिक माहौल या परवरिश जो है वो इतनी मतलब जो कन्वाइवियल मतलब इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए कि अगर बच्चा कुछ गलती किया है, बच्चे से कोई गलती हुई है या बच्चे को लगता है किसी और ने उसके साथ कुछ गलत किया है तो इतना फ्री होना चाहिए कि वो आके अपनी मदर से फादर से मम्मी पापा किसी से भी वो बात शेयर कर सके आराम से। तो उस तरह का माहौल देना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत 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 संयम से पालना पड़ता है। बच्चों को डांट डपट करके अगर रखेंगे तो नुकसान तो है ही, नुकसान तो इसका बहुत दुष्परिणाम भी निकल कर सामने आया है। मुझे लगता है कि आज के परिवेश जिस तरह से इतनी सारी बातें निकल कर हमारे बीच में आई कि हमें बच्चों की परवरिश में सबसे पहले और सबसे अहम बहुत ध्यान देने की जरूरत है, उन्हें शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी देनी बहुत आवश्यक है, और आत्मबल बढ़ाने के लिए आप अपने आप को कैसे और आगे बढ़ा सकती हैं, चाहे वो शिक्षा के परिवेश में हो, जैसा कि हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी बताया कि किस तरह से हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पे ज़रूर अमल करें। और आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें बताई और हमें देखकर, खास करके मैं तो देख रही हूँ कि बहुत आत्मबल हमारा बढ़ा और हमारी बहनें भी बहुत खुश हो गई होंगी और उन्हें भी लग रहा होगा कि मैं खुद में ही अपने आप में सक्षम हूँ। तो आप लोगों ने अपना वक्त दिया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।